मेरे जितने भी महापुरुषों के लिए आज ये मंच जो तैयार किया गया है, जिनकी याद में आज इस मंच पे हम आए हैं, उनको मैं कोटि कोटि अपना नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ राम नारायण जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और जो सम्मान और जो मुझे प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है उसका मैं तहे दिल से आप लोगों का एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत खुशी हो रही है मुझे आज इस मंच पे आकर कि, और बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि आज हम इस मंच पे सम्मानित हम किए हैं। और एक खुद में एक जो बहादुर जो बोलते हैं, ये एक जाट कौम जो है एक बहादुर कौम है, अपने आप में एक दादी ने जैसे कहा कि एक धाकड़ कौम है, तो रियल में एक ये धाकड़ कौम है जो किसी भी प्राकृतिक विपदा हो या कोई भी विपदा हो, किसी के ऊपर कोई अगर विपदा आती है तो सबसे पहले जाट कौम जाके वहां पर अपना सहयोग और अपना योगदान देती है। और मैं एक लड़की होने के नाते मैं खासकर लड़कियों के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो जाट कौम है वो लड़कियों के बारे में ध्यान जरूर दे कि लड़कियों को जरूर बाहर निकाल के उनको आगे लेके आए, किसी भी क्षेत्र में उनको पीछे ना छोड़े, उनको हर कदम पे अपना साथ लेके चले। जैसे आज हम लोगों को साथ लेके आए हैं तो हमें बहुत खुशी और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो ऐसे ही आपकी वुमेन पावर को, हमारी जो वुमेन शक्ति है उसको बढ़ावा दें और साथ में लेके चलेंगे तो ये जो पावर है ये दुगनी हो जाएगी। तो अंत में मैं एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी और आप लोगों का मेरे जो यहाँ पे ये जो मंच है आज जाट समाज के ऊपर, मैं आप सब लोगों का आप एक बार फिर से धन्यवाद करके और मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।